साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ऐसी एडवांस मशीनें बताएंगे जिनके काम और टेक्नोलॉजी को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, इसीलिए हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आयरन शेयरिंग। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये काफी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है। ये मशीन भारी से भारी लोहे को ऐसे काटती है जैसे कोई तोता मिर्ची को अपनी चोंच से काट रहा हो। इस तरीके से उस मशीन की मदद से भारी लोहे को स्क्रैप में बदल दिया जाता है ताकि इनका फिर से रिसाइकिल किया जा सके। बिगेस्ट श्रेडर। ये एक दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल श्रेडिंग मशीन है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन को देखकर आसानी से लगा सकते हो। ये मशीन बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत गाड़ियों को बड़ी आसानी से चूरा चूरा कर देती है। दरअसल कबाड़ में पड़ी पुरानी गाड़ियों को रिसाइकिल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्टम ब्रेकर। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक हैमर मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन पत्थर को प्रेस करते समय उस पर 300 किलो जूल्स तक एनर्जी डाल सकती है। इतनी बड़ी ताकत के साथ ये मशीन बड़े से बड़े पत्थरों को चुटकियों में तोड़ सकती है। इस मशीन के आगे जितना सख्त पत्थर होगा, ये मशीन उतनी आसानी से उस पत्थर के टुकड़े करेगी। कंक्रीट शेयर। कैंची की तरह दिखने वाली खतरनाक मशीन पुरानी इमारतों को तोड़ने और कंक्रीट से लोहे की रॉड को अलग करने का काम करती है। ये मशीन हार्ड से हार्ड कंक्रीट को कतर के रोड से अलग कर देती है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन के काम को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हो। मजदूरों द्वारा इस काम को हथौड़े से करने में काफी टाइम लगता है और मजदूरों की सेफ्टी भी नहीं रहती, लेकिन इस मशीन के साथ मजदूर काफी दूरी से सेफ्टी के साथ इमारतों को आराम से तोड़ सकते हैं और वो भी कम से कम समय में। डायनेमिक कॉम्पैक्शन। इस मेथड के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन साइट वाली मिट्टी को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, जिससे बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से सरफेस के ऊपर हैवी वेट गिराया जाता है। इस तरह हैवी वेट को बार बार गिराने से मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। स्काई स्क्रैपर डेस्ट्रॉयर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन अपने विशाल हाइड्रोलिक आर्म पर लगे पंजे की मदद से बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों को बड़ी आसानी से तबाह कर देती है। इस मशीन में धूल और मलबे से निपटने के लिए पानी का फव्वारा भी लगा हुआ है। ये पानी का फव्वारा इमारतों को तोड़ने में मशीन की हेल्प करता है। हाइड्रोलिक बेलर। कार पुरानी हो जाने के बाद जब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती तो इन कारों को स्क्रैप करके रिसाइकिल किया जाता है। इसी काम के लिए इस हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बड़ी बड़ी कारों पर इतना वजन डालती है कि बड़ी बड़ी कार छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। ट्रेलर डेक गन। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में आग बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्री अक्सर शहरों से काफी दूर बनाई जाती है, इसीलिए इन जगहों पर आग बुझाना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए इन जगहों पर इमरजेंसी के लिए छोटे मोटे तालाब भी बना दिए जाते हैं। ऐसी जगह पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में लगे पंप पानी को खींचकर आग बुझाने का काम करते हैं। लॉग स्टैकर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉग्स की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। ये मशीन पेड़ों के कई सारे लॉग्स को एक साथ उठाकर बगैर गिराए बड़ी आसानी से दूसरी जगह पहुंचा देती है। मार्बल एक्सट्रैक्शन। मार्बल को निकालने के लिए काफी बड़ी बड़ी और पावरफुल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बड़ी बड़ी चैन सो की मदद से इन बड़े बड़े मार्बल के ब्लॉक को काट लिया जाता है और फिर इन काटे गए ब्लॉक्स को कुछ एक्सकेवेटर की मदद से काफी सेफ्टी के साथ नीचे गिराया जाता है और फिर इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को लोडर के जरिए डंपर तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद डंपर की मदद से इन मार्बल को फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में इन मार्बल के ब्लॉक्स की कटिंग और पॉलिशिंग करके इन्हें शोरूम में रख दिया जाता है। बकेट व्हील। ये शक्तिशाली मशीन पहाड़ों को काटने का काम करती है।
इस मशीन में एक बड़ा सा व्हील लगा होता है। ये व्हील लगातार घूमते हुए माइनिंग करते रहता है। इस मशीन का इस्तेमाल पहाड़ों को काटने और कोयले की खान खोदने में किया जाता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपको जरा से भी नॉलेज मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी ऑन कर लो। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे।